यदि हमें संचारी रोगों पर विजय पाना है तो हमें शौचालय को अपनाना है। चाहे कुछ भी हो मजबूरी, शौचालय है बहुत जरूरी। आखिर इतना जरूरी क्यों है शौचालय? अभी पिछले दिनों जिलाधिकारी महोदय ने एक मीटिंग ली तो उन्होंने कहा कि लोग 70 से 80 हजार की एक बाइक खरीद सकते हैं, लेकिन जब शौचालय बनवाने की बात आती है तो शासन प्रशासन की ओर देखते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हमें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठाना चाहिए, लेकिन अगर हम सक्षम हैं तो हम खुद शौचालय बनवाएं। आखिर शौचालय बनवाना इतना जरूरी क्यों? सबसे पहला ये इज्जत घर है। हमारे घर के बच्चे, बहू, बेटियां अगर बाहर शौचालय जाती हैं तो ये हमारे लिए अपमान की बात है, इसको समझना चाहिए। दूसरी बात, खुले में, खेतों में, झाड़ियों में जब हम शौच जाते हैं तो जंगली जीव जंतुओं, जहरीले जंतुओं का खतरा रहता है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, ये सबको समझना चाहिए, जब हम खुले में शौचालय करते हैं तो जब बारिश होती है तो वो मल जो होता पानी के साथ मिलकर हमारे जो पीने के स्रोत हैं, वहां हमारे नल होते हैं, कुएं होते हैं, ट्यूबवेल होते हैं, ये कहीं ना कहीं रिस रिस कर उस जल स्रोत तक जिसको हम पीते हैं वहां तक पहुंच जाता है, हमें पता नहीं चलता। और फिर डायरिया, हैजा और ना जाने कितनी भयंकर बीमारियां जिनके हम सब शिकार हो जाते हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मल में सूक्ष्म जीव पनपते हैं, मक्खियां बैठती हैं, वही जाकर फिर हमारे भोजन पर बैठकर उसको प्रदूषित कर देती है, फिर से हम बीमार पड़ते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो इन चीजों से बचना है। हमें मौका नहीं मिला कि हम, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तब हम स्वतंत्रता सेनानी होते, यदि हमें मौका नहीं मिला कि हम सीमा पर जाकर गोली चलाएं, देश के लिए कुछ काम आए, तो मौका मिला है आपको, आप देश के अंदर रहकर इन छोटी छोटी बातों को समझें। ये कोई जबरदस्ती नहीं है, ये हमारे परिवार, हमारे समाज के हित के लिए। मैं ये नहीं कहता जो भी इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो शौचालय का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो नहीं करते उनको हम बताएं, एक जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय दें। ये देश हमारा है, ये समाज हमारा है, हम शिक्षित हैं तो हम लोगों को जागरूक करें। तो ये ठानना है और सबको बताना है कि शौचालय कितना जरूरी है, और इन संक्रामक रोगों से बचना है तो शौचालय का प्रयोग करना ही करना है। चलिए फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही संक्रामक रोगों से बचने के लिए हम किन उपायों को अपनाएं। नमस्कार।